आज तारीख हो चुकी है 27 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी बेल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है ऑक्शन की, यहाँ पर वेन्यूज को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने यहाँ पर 5 शहरों को यहाँ पर आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया, जहाँ पर 16 दिसंबर को हमें आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए यहाँ पर मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा। इसी नीलामी के लिए बीसीसीआई ने 5 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया। इन 5 में से 1 शहर में हमें आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इन 5 शहरों की, इनमें नाम आता है इस्तांबुल का नाम आता है, बेंगलुरु का नाम आता है, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद का। तो कुल मिलाकर इन 5 में से यहाँ पर किसी एक शहर में यहाँ पर आईपीएल का ऑप्शन होगा। हो सकता है कि यहाँ पर टर्की के इस्तांबुल में ऑप्शन हो, या फिर हो सकता है कि भारत के बेंगलुरु में ऑप्शन हो। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम जल्दी यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट देंगे कहाँ पर यहाँ पर आईपीएल का ऑप्शन होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2023 के एडिशन के ट्रायल कैंप्स को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के लिए अब टीमों ने ट्रायल कैंप शुरू कर दिए, क्योंकि अब यहाँ पर 16 दिसंबर को ऑक्शन होगा। टीमें ऑक्शन से पहले यहाँ पर खिलाड़ियों को अपने ट्रायल कैंप में बुला कर ये देख रही है कि कौन सा खिलाड़ी आखिर टीम में सूटेबल होता है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल मुंबई की टीम ने 4-5 खिलाड़ियों को ट्रायल कैंप में बुलाया, दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के काफी सारे खिलाड़ियों को ट्रायल में बुलाया। तो टीमें कुल मिलाकर खिलाड़ियों का अब ट्रायल लेकर उनको अपनी टीम में शॉर्टलिस्ट कर रही है। जो खिलाड़ी ट्रायल में पसंद आ रहा है उस खिलाड़ी को अब टीमें आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए फाइनलाइज कर रही है। उन खिलाड़ियों को लेकर उनकी लिस्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है ट्रायल में सेलेक्ट हुए खिलाड़ियों को लेकर। दरअसल कुछ खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर कंफर्म हुए, जो कि ट्रायल में यहाँ पर सेलेक्ट हुए और टीमों ने इनको ऑक्शन में खरीदने के लिए इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर ली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस लिस्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के, तो इनमें नाम आता है शुभमन कुजेरिया का। तो इनको मुंबई, चेन्नई, इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान, 4 टीमों ने इनको शॉर्टलिस्ट किया। इसके बाद नाम आता है यहाँ पर जियाद मरे का, इनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शॉर्टलिस्ट किया। इसके बाद नाम आता है शाहरुख दार का, इनको भी दिल्ली कैपिटल्स ने शॉर्टलिस्ट किया। इसके बाद नाम आता है यहाँ पर मुज्तफा यूसुफ का, इनको भी दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया। इसके साथ ही अदीब मुस्तफा को भी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया। इसके अलावा अमन जानी को आरसीबी ने शॉर्टलिस्ट किया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के भी कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया, जहाँ पर शेख रसीद को मुंबई ने शॉर्टलिस्ट किया, गिरिनाथ रेड्डी को राजस्थान ने, इसके साथ ही करण शिंदे को यहाँ पर मुंबई ने शॉर्टलिस्ट किया। तो ये खिलाड़ी यहाँ पर ट्रायल कैंप में सेलेक्ट हुए, इन टीमों में शॉर्टलिस्ट हो, और ये टीमें ऑक्शन में इन पर बिड करेगी। आप कमेंट करके बताइए आप कौन कौन सी टीमों के आखिर यहाँ पर सेलेक्ट या फिर शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों के नाम जानना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, आज होने वाले भारत आयरलैंड के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज वर्ल्ड कप के हमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे, और दोपहर 1:30 बजे से भारतीय टीम का मुकाबला रहेगा, नेदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का मुकाबला रहेगा। और भारतीय टीम के पास अपॉर्चुनिटी है कि नेदरलैंड को हराकर सेमीफाइनल के लिए अब एक और कदम बढ़ा ले, सेमीफाइनल के और करीब चले जाए। तो कुल मिलाकर आज भारत और नेदरलैंड का मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो सेमीफाइनल के काफी करीब पहुंच जाएगी। आप कमेंट करके बताइए क्या भारत नेदरलैंड को हरा कर आखिर आज का मुकाबला जीत पाएगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है टीम इंडिया की यहाँ पर सिडनी में कंडीशन को लेकर। दरअसल टीम इंडिया दूसरे मुकाबले के लिए कल ही यहाँ पर सिडनी पहुंच गई थी। सिडनी में आज नेदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का मुकाबला होगा, लेकिन सिडनी में यहाँ पर काफी खराब हालात है, जहाँ पर सिडनी में भारतीय टीम की यहाँ पर होटल स्टेडियम से 42 किलोमीटर दूर लोकेट करी गई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, और ICC ने 42 किलोमीटर दूर भारतीय टीम की होटल रखी है, ताकि खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस ना कर पाए, खिलाड़ी यहाँ पर स्टेडियम जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। खिलाड़ियों ने पिछले 2 दिनों में केवल एक ऑप्शनल प्रैक्टिस करी थी, वो भी केवल 2 घंटों की ऑप्शनल प्रैक्टिस करी थी। 42 घंटे ट्रैवल करने में ट्रैफिक में इनको 2 घंटे का समय लग रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर होटल 42 किलोमीटर दूर होने की वजह से इनको खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा, जहाँ पर खिलाड़ियों ने कंप्लेन करी है कि खाना भी इनको अच्छा नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही जो खिलाड़ी यहाँ पर हाई यहाँ पर डाइट वाला खाना चाहते हैं, जो हाई यहाँ पर न्यूट्रिशन वाला खाना चाहते हैं, वो इनको नहीं मिल पा रहा। तो सिडनी में टीम इंडिया की यहाँ पर हालत खराब है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने रणनीति बना रखी हो कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को परेशान किया जाए, ताकि टीम इंडिया के खिलाड़ी सेमीफाइनल में ना पहुंच पाए। आप कमेंट करके बताइए
छठी, आपके अकॉर्डिंग किस वजह से आखिर टीम इंडिया के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है? अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने सभी आईपीएल टीमों को वार्निंग दे दी है, सभी टीमों को ये बता दिया कि 15 नवंबर को सभी टीमों को अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की यहाँ पर लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट करनी होगी। 15 नवंबर के बाद अगर कोई भी टीम यहाँ पर रिलीज रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट करती है तो बीसीसीआई 10 करोड़ रुपये का उस टीम पर फाइन लगाएगा। 10 करोड़ का यहाँ पर फाइन लगेगा। 15 नवंबर को शाम 6 बजे का यहाँ पर सभी टीमों को समय दिया हुआ। 15 नवंबर से पहले सभी टीमों को यहाँ पर अब अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देनी होगी। 15 नवंबर से आगे अगर कोई भी टीम डिले करती है तो यहाँ पर उस टीम को 10 करोड़ का यहाँ पर फाइन लगेगा। तो बीसीसीआई ने तो अपनी तरफ से फैसला दे दिया। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम आखिर डिले करती है, कौन सी टीम यहाँ पर रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में यहाँ पर समय लगाती है। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है मार्कस स्टोइनिस की तरफ से। दरअसल मार्कस स्टोइनिस ने यहाँ पर अब एक अपनी श्रीलंका के खिलाफ खेली गई यहाँ पर पारी के बाद 18 गेंदों में 59 रन की पारी के बाद ये बताया कि आईपीएल की वजह से इनका स्पिन का गेम इंप्रूव है। पहले स्पिन गेंदबाज को खेलने में इनको काफी अधिक समस्याएं होती थी, स्पिन गेंदबाज को परखने और समझने में इनको काफी अधिक समस्याएं होती थी, लेकिन आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स के साथ फ्रेंडशिप के कारण, इसके साथ ही आईपीएल में लगातार स्पिन गेंदबाजों को फेस करने की वजह से इनको स्पिन गेंदबाज खेलने में अब काफी ईजी इनको होने लगा। इन्होंने बताया कि आईपीएल की वजह से ही इनका स्पिन का गेम इंप्रूव हो पाया। आप कमेंट करके बताइए कि आईपीएल की वजह से वर्ल्ड कप में आगे जाकर भारतीय टीम को नुकसान होगा या फिर नहीं, ये खिलाड़ी आगे जाकर भारतीय टीम पर ही यहाँ पर भारी पड़ेंगे या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के कन्फर्म्ड रिलीज खिलाड़ियों को लेकर। दरअसल कल रात दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 3 खिलाड़ियों के नाम कन्फर्म्ड कर दिए, इनको ये टीम यहाँ पर रिलीज करी। अगर हम बात करते हैं इन खिलाड़ियों की तो इनमें नाम आता है केस भरत का नाम आता है, मनदीप सिंह का नाम आता है यहाँ पर, शार्दुल ठाकुर का। तो इन 3 खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कन्फर्म कर दिया आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए ये टीम रिलीज कर रही है। हो सकता है और भी खिलाड़ी इस लिस्ट में ऐड हो जाए, लेकिन ये 3 खिलाड़ी अब कंफर्म रूप से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम से रिलीज हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये खिलाड़ी अब ऑक्शन का यहाँ पर भाग बनेंगे। बस आप कमेंट करके बताइए आप और कौन सी टीमों के रिलीज खिलाड़ियों के आखिर नाम जानना चाहते हो और इन खिलाड़ियों को कौन सी टीम ऑक्शन में परचेस करेगी, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।